हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे शर्मा जी, शर्मा जी, अरे सारे रिश्तेदार तेरे ना। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, वाह, हेलो सो, हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। अरे शर्मा जी, वो मैं कुछ वेजेस लाई हूँ, जरा 2000 रुपए दे दो। 2000 रुपए की कौन सी सब्जी? चांदी की मटर लेके आई है? तो कल ही तो मैं सब्जी लेके आया था। अरे वो नॉर्मल वेजेस है, ये वो सुपर फूड है, आज से तुम यही खाओगे। सुनील सर को देख रहे हो कितने फिट हैं। yes. और अपने आप को देखो। देखो तो सुनील सर की लाइफ में कोई स्ट्रेस भी नहीं है ना? तो तुम्हारी लाइफ में क्या स्ट्रेस है? है, साड़ी पहन के घूमता है मेरे घर में। ये तो तुम हमेशा सड़ू रहते ना, सड़ू, इसीलिए तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो डाइट प्लान चेंज करो, आज से हेल्दी खाओगे, खुश रहोगे। डाइट प्लान छोड़ दो, तुम मायके का प्लान करो, देखना मैं कितना खुश होता हूँ। तो देखो आ गई तंग करने। महावीर सर, सर अब ना वक्त आ गया है, आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए। आपसे ट्रेनिंग लूंगी, शायद कोई डरे। वैसे ही मेकअप करो, मैं डर जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अन्ना प्रॉब्लम ये घर में पड़े हुए हैं, इसके माता पिता मेरे घर पे। लड़की माँ बाप का घर छोड़ के आती है, ये अपना घर बेच के माँ बाप इधर लेके आ गई। तो जा ही नहीं रहे हैं। तुम अकेले क्या कर लोगे घर पे? हाँ वो लोग रहते हैं, घर भी भरा भरा लगता है। घर ही भरा भरा रहता है, किचन तो मेरा खाली कर जाता है ना रोज। अन्ना क्लीन नहीं करोगे? दिन में 3 बार इसके पिताजी का पेट का साइज बढ़ता है। ब्रेकफास्ट के बाद 42 इंच, लंच के बाद 55 इंच, डिनर के बाद 60 इंच, अभी पड़े हुए अंदर। वो एक्चुअली ना मेरे पापा भी सर आप लोगों की तरह किसी जमाने में पहलवान थे, तो उनका डाइट है ज्यादा ना, व्हाट टू डू। तो माँ कौन सी ओलंपिक में जाने वाली, वो पतीला पी जाती दाल का, उसको तो चुप कराओ। तुम सुनिए सर की फिल्मों से कुछ सीखो ना। देखो धड़कन में वो अंजलि से कितना प्यार करते थे। लेकिन मेरे साथ तो हेरा फेरी हुई कि नहीं? अब ध्यान से देखो कैसी बाबूराव जैसी बीवी मिली मुझे। जिस दिन शादी थी अर्चना जी, आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं बालों में कौन सी जेल लगा के आई, जो भी आशीर्वाद दे उसकी अंगूठी बालों में छूट जाए। सीरियसली हमारी सुहागरात थी तो हम बैठे थे, कहते 2 मिनट रुको, शैम्पू किया, 14 अंगूठियां, 6 ब्रेसलेट निकले इसके। सर ये अपनी बात नहीं बता रहा, अपनी बात बताओ सर, ये इतना आलसी आदमी है, इतना, उस दिन मार्केट में चोर पर्स लेके भाग गया, ये गया ही नहीं उसके पीछे, खड़ा होके देख रहा था। क्योंकि पिछली बार किसी ने इसका पर्स छीना, मैं पीछे भागा, वो इसका कजन निकला। मुझे लगा इसका रिश्तेदार होगा कोई, अपनी टेरिटरी में आने नहीं देते किसी को, काट लेते ये। देखो वो मेरा कजिन बिट्टू, वो प्रैंकस्टर है, वो अपने YouTube चैनल के लिए प्रैंक के वीडियोस बना रहा था। पकड़ा जाता है तो तब बोलता है वो, देखी सामने कैमरा, इस पर प्रैंक। जब नहीं पकड़ा जाता तो नहीं पकड़ा जाता, निकल जाता है। झूठी कहेगी। मैंने तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, इसलिए तुम कदर नहीं करते। किसी दिन चली जाऊंगी ना दूर, तब करोगे कदर। तो करा लो कदर, जाओ दूर, किसने रोका है? फिर लिखोगे तुम खत, संदेश आते हमें तड़पाते, लिखो तुम। मैं नहीं लिखता, हमारे, मैं क्यों खत लिखूं, हमारे मोबाइल आ चुके हैं, तुम्हारे गांव में नहीं आए होंगे। तू जा सही, मैं तो करूंगा आज की पार्टी मेरी तरफ से, ये करूंगा मैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। देखो अन्ना ये मेरी सास देख लो, किसी की सास ऐसी होती है, मुंह से बड़ा जूड़ा रखा है। खली परी जैसे आप दिन में 50 अंडे खाते ना, इनका भी सेम है, ये 50 बार दिमाग खाती है। क्या दामा जी, मैं आपको इतनी चुभती हूँ, हाँ आप टेंशन मत लो, अब ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी मैं, MMA वाला शो आ गया है। तो उसमें मार खाने जा रही हो आप? क्या दामा जी, मैं इन्हें समझदार समझती थी, लेकिन ये बिंदु के साथ रह रहे के ना ऐसे हो गए। एक सेकंड, तो मुझे क्यों बीच में ला रही हो मम्मी? अरे शुक्र मना, तुझे कोई तो बीच में ला रहा है, वरना दामाद जी तो साइड ही रखते हैं। है कि नहीं? तू एक मिनट साइड में हो, जरा मुझे काम की बात कर लें दे। सुनील जी आप मुझे ना MMA में ले जाइए, वहां में फाइटर्स के लिए कुछ खाना वाना बना दिया करूंगी। मम्मी उनके अपने डाइटिशियंस हैं। अरे डाइटिशियंस हैं तो ज्यादा से ज्यादा खाने में प्याज डाल सकते हैं, माँ का प्यार नहीं।
जी है कि नहीं? अरे फाइटर्स जब मसल पेन लेके आएंगे तो मैं रोटियों पे बाम लगा लगा के दिया करूंगी। मम्मी ना 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 बोलने दे रोको मत, बोलने दे, लोगों को पता चले कैसे रहता हूँ मैं इन लोगों के बीच में। दामाद जी बीच में तो हम रहते हैं, आप तो साइड में सोते हैं। ओह माय गॉड। अरे सोने से याद आया, फ्रिज मत खोलना, अभी इसके पापा जी सो रहे हैं। क्या? हाँ ऐसी तो हरकतें हैं ना, देख लो इनकी, अभी फ्रिज में सो रहा है बुड्ढा, उस दिन वॉशिंग मशीन में नहा रहा था। कर दी ना मम्मी तुमने इंसल्ट सबके सामने। लो मेरी वजह से इसकी इंसल्ट हो रही है, वरना हर हफ्ते तो इसे नेशनल अवार्ड मिलता है। एक सेकंड, सबसे पहले नेशनल अवार्ड ना साल में एक ही बार मिलता है। तो तुझे कौन सा मिल गया छिपकली की बच्ची? मैं तुम्हारी बच्ची हूँ। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, समझदार की बच्ची। तुमको शर्म नहीं आती मम्मी? अरे बहुत शर्म आती थी मुझे, बहुत शर्म आती थी, लेकिन इसके पैदा होने के बाद इतना सुनना पड़ा कि मैं तो बेशर्मी हो गई। मम्मी बेशर्मी की हद होती, तुम प्लीज अंदर चलो। हाँ हाँ चलो। प्रणाम जी प्रणाम, आज हो जाए इसके साथ दो दो हाथ। कलिपा जी एक बात बताओ, जैसे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सवाल अर्चना जी की तरफ से आया। कितना प्यार करता है तू मुझसे। नहीं जैसे स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, बोलते हैं ना कि हम बड़े भाई को बुला के लाते हैं। आपका कोई बड़ा भाई है कि? मुझे लगता तो नहीं आपसे बड़ा कोई हो सकता है। बिल्कुल मेरा बड़ा भाई है। अच्छा जी, आपका नाम लेके किसी ने फायदा उठाया कि खाली मेरा भाई है? खाली तो बाद में नाम पड़ा जी, पहला तो दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह जी। और जब WWE में गया तब मेरा ग्रेट खाली नाम पड़ा है। अच्छा जी, वाह। नहीं मतलब मैं तो मतलब भूल ही जाता हूँ, देखने का इतना मजा आ रहा है, मतलब यार हमारे देश का गौरव है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। रितु आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी नई नई शादी हुई है। थैंक यू कपिल जी। और हमने आपकी शादी वाली फोटो भी देखी जो इंस्टाग्राम पे आपने डाली थी, शादी के जोड़ में बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के। हाँ तो शादी के वक्त ये ग्लव्स पहनने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब पंडित देरी करा रहा था फेरे कराने में कि आपको लगा कि असली फाइट तो अब होने वाली है? नहीं बिल्कुल, शादी एक मतलब एक अलग ही फाइट है, वो फाइट जितनी जरूरी है। हाँ तो अगले वाले हस्बैंड को भी थोड़ा दिखना चाहिए ना कि हाँ, हाँ, किसी साथी कर दिया। नहीं बहुत अच्छी बात है। और आपको पता अर्चना जी पहले पहलवानी करती थी, इनको शौक था। जिस दिन इनकी स्वागरात थी ना तो इनके हस्बैंड की हिम्मत ही नहीं हुई दूध का गिलास उठाने की। सीरियसली ना उन्होंने अपना दूध का गिलास उठाया, इनको दे देंगे, तुम पी लो, मैं तो थेपला खा के सो जाऊंगा। कैसे पहलवानी मैं अभी भी कर सकती हूँ तेरे साथ। माफ करें मेरा हाथ का साइज देखा है ना? खली पाजी के साथ करके दिखाओ फिर पता चले। ऋतु एक बात बताइए, आपकी सारी बहनें पहलवान है, तो जब आपके मियाँ जब आए आपके दूल्हा साहब, जो जूता चुराई की रस्म होती ना एक, तो आपके हस्बैंड की हिम्मत हुई नेगोशिएशन करने की कि कम ले लो शगुन कि सारी पहलवान है? नहीं वो मतलब जब रस्म का टाइम आया, जब नेग मांग रही थी तो उन्होंने मतलब अपने इतने शरीफ थे कि जितना मांगा उतना निकाल के दे दिया। शरीफ थे कि डरे हुए थे? कुछ भी लगा सकते। महावीर सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके काफी सालों बाद, जैसे आप खुद पहलवान है परिवार में, सब बेटियां पहलवान है, तो दमाद आपने अखाड़े में ढूंढा किसी और फील्ड से? दमाद जो बबीता है वहाँ जो उसके पास ही निकली कोठी है। अच्छा जी। तो आना जाना था जो वहाँ जो इनका भाई है जो लड़का छोटा वो वहीं रहता था, तो इनकी सारे उठा बैठी थी वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा जी। अच्छा वैसे वो इस फील्ड से है नहीं ना रितु, वो पहलवान नहीं, नहीं, नहीं है। वो पहलवान नहीं है। आप अगर उनको देखो, ये देखिए वैसे ये पहलवान नहीं, भाई साहब एक बार खड़े होकर दिखाइए, ये रितु के हस्बैंड है ये भी। तो मैंने इनसे पूछा भी, मैंने कहा आप भी रेसलर? कहते नहीं रेसलर नहीं हूं मैं, किसी और फील्ड से। तो मैंने कहा लगते तो आपके तो इतना तो फिर सारे होते हैं हरियाणा में, तो क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महावीर सर एक एक सवाल था हमारी जनता का, क्योंकि सब आपके परिवार के इतने फैन हैं तो वो सब पूछना चाह रहे थे कि जब आप घर से कभी बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, या आपको ये लगता है कि कोई नहीं अगर आ भी गया चोर तो अपनी हड्डियां खुद ही तोड़वाएगा, इतने पहलवान है? देखिए आज तक न तो मेरी मम्मी ने कभी ताला लगाया घर के किसी चीज के। अच्छा जी। और न हमें कभी ताला लगाया, ना मेरे लड़के का ताला लगा थे, सब कुछ ऊपर रहता है। अच्छा। ताला नहीं लगाते, जरूरत ही नहीं है, कौन आएगा मरने। अर्चना जी भी अपने घर को ताला नहीं लगाती?
इनका भी एक हिस्ट्री, एक चोर आया इनके घर में, उसने 500 रुपए का कोई सामान उठा लिया, इन्होंने उसकी गर्दन पे घुटना रख के उसके 1400 निकाल लिए। यार मैं कितनी टैलेंटेड हूँ यार। नहीं उतर, मतलब 100 टैलेंट तो हर सैटरडे संडे मेरे गिनवा देता है यहाँ पर। आप है इतनी टैलेंटेड। बुधवानी साहब के लिए जोरदार तालियां। शो को लेके आने का आइडिया इनका है, ये इंडिया में इतना बड़ा शो लेके आए हैं और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं बुधवानी साहब। अच्छा, इन्होंने अपने कहीं लिख रखा है सोशल मीडिया पे कि कॉम्बैट स्पोर्ट इज माय फर्स्ट लव। तो सर आप मतलब लड़ाई वाले खेलों को आप प्यार करते हो? मैंने इससे पहले आपकी क्लीन शेव में फोटो देखी, ऐसा लग रहा किसी आप सरकारी बैंक के कर्मचारी लग रहे थे उसमें, है ना, शरीफ आदमी लगते हैं आप, इसलिए दाढ़ी बना दी मैंने। तो ये मारपीट वाले चक्कर में कैसे आ गए, कहां से आपको शौक पड़ा कि ऐसा शो? फाइटिंग तो हमारे ब्लड में है ना सर। अच्छा जी। तो स्पोर्ट्स मुझे करना था और एमएमए में बहुत स्कोप है इंडिया में और बहुत सारी स्टोरी है जो अनटोल्ड है, तो इसलिए मैंने ये सीरीज बनाया। और फाइट में इसलिए क्योंकि मेरा पैशन है वो, बचपन में मैंने बहुत फाइट खेली है। और किस बात का गुस्सा था आपको, क्यों 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 करते थे इतनी फाइट? बस ऐसे ही गुस्सा आ जाता था। अच्छा जी। तो मैंने बोला वही जो गुस्सा है उसी को मैं पैशन बना के उसको ही मैं फेमस कर दूं। क्या बात। शो के डायरेक्टर ओंकार पोदार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक बात पूछनी थी आपसे टेक्निकल, कि जैसे फिल्मों की शूटिंग होती है या हमारे शो की कभी कभी रीटेक भी हो जाता है, आपके शो में भी रीटेक होता है? भगवान ना करे अगर किसी फाइटर को घूसा पड़ गया हो और आप उसको बोल रहे हैं कि एक रीटेक लेना है, ऐसे होता है वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जिस तरीके से हमें देखते थे तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। पहला शो जिसमें डायरेक्टर भी डरा रहता है कि नहीं नहीं ठीक है हो गया, वी गॉट द शॉट है। क्या बात है। इस शो के 4 फाइनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि बुधवानी साहब आप प्लीज इंट्रोड्यूस कराइए हमारे दर्शकों को। निचो इंगामी है, मेहंदी है, मेहंदी नासरी है और रेखा है, मोनिका गर्ग है, ये 4 फाइनलिस्ट है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली होनी चाहिए यार। मेरा पहला सवाल आपसे मोनिका को प्लीज माइक दे दीजिए। मोनिका, जैसे कोई इस हमारी फील्ड में आना चाहता है ना, एक्टिंग फील्ड में या डांस की फील्ड में, तो बचपन से डांस करना शुरू कर देता है। आपको कब पता चला कि आप मारपीट में बड़े अच्छे हो? पैदा होते ही डॉक्टर को घूसा मार दिया था या क्या? क्या आपके कब, किसने पहचाना आपका ये टैलेंट पहली बार? मुझे पैदा होते ही पता नहीं है, लेकिन मैं मेरे भाइयों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करती थी, इतना पता है मुझे। तो जब आप उनको पीटती, उन्होंने तो पापा से कहा होगा हमारी शादी करके हमारी विदाई कर दो। बहन ही पीट रही है भाइयों को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।